नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गुरुमदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त कोश रुचि। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुक विद मॉम में आई हूँ, एक मॉम बनकर। मैं रुचि गुप्ता और मैं सक्षम, हम दोनों मिलकर बना रहे हैं चीजी स्टार्टर बिस्किट, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्विक है और बहुत ही यमी है। तो चलिए आइए मिलकर बनाते हैं हम चीजी स्टार्टर बिस्किट। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने लिया है बॉइल्ड पोटैटोस, प्लेन भुजिया, हरा धनिया, चॉप्ड वेजिटेबल्स, चीज़, बटर, काला नमक, ओरिगेनो, मोनाको के बिस्किट, पिज़्ज़ा सॉस एंड केचप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम की है और इसमें हम बटर डाल देंगे। आप इसे घी या रिफाइंड में भी बना सकते हैं, बटर जब हल्का सा मेल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हमने ये गाजर और शिमला मिर्च उसमें डाल दी हैं। सब्जियों को स्किप भी कर सकते हैं और इसमें बीन्स या कोई और सब्जी जो आपकी मनपसंद हो उसे ऐड भी कर सकते हैं। हमें इन सब्जियों को पूरी तरह से नहीं गलाना है, बस हल्का सा हमें इसको सॉफ्ट करना है सब्जी को। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें उबले हुए आलू डालती हूँ। फ्रेंड्स, आलू को भी हम सेम गैस पर 1-2 मिनट भून लेंगे। जब हम आलू को 2 मिनट भून लेंगे तो मैं इसमें थोड़े से कॉर्न डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि बच्चों को कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कॉर्न डाल रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं यदि आपके पास ना हो तो। तो दोस्तों, देखिए ये उबले हुए कॉर्न डालने से क्या होता है कि ये बहुत ही यम्मी बन जाता है और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, मैं तो ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप इसमें सिंपल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ओरिगैनो डाल रही हूँ, और यदि आपके बच्चे स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च, मतलब काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने भी इसमें हल्के से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अब हम इसे और 1-2 मिनट तक भून लेंगे। इसको टोटल हमें भूनने में आलू के बाद 2 मिनट चाहिए। फ्रेंड्स, ये मैं क्यूब चीज़ डाल रही हूँ, आप इसमें स्लाइस भी डाल सकते हैं और क्यूब चीज़ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें लगभग 2 क्यूब चीज़ डाले हैं मैंने। दूसरा खाएं सब चीज़ डालने के बाद हमें इसे फुल गैस पर करना है, जब तक हमारा चीज़ मेल्ट नहीं होता है। चीज़ देखिए हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं 2 चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फ्लेवर दूसरा चाहते हैं तो आप अमचूर पाउडर या नींबू भी डाल सकते हैं। इसके फ्लेवर्स आपको जिस तरह का चाहिए उसी हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा फ्लेवर लिया है तो मैंने इसलिए पिज़्ज़ा सॉस डाली है और चीज़ ज़्यादा डाला है बस। अब तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी पीठी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके छोटी छोटी ऐसे ऐसे बॉल्स बना लेंगे। तो अब हम एक बिस्किट को ऐसे लेंगे और उसमें ऐसे बोलो ऐसे बन। अब हम इसे चारों साइड से हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। जो हमने ये बनाया है बिस्किट का चीजी बिस्किट, इस पर हम साइड में टमाटो सॉस लगा देंगे। यदि आपको चिली सॉस चिली पसंद है, आप स्पाइसी खाते हैं तो इसमें हल्की सी चिली सॉस भी मिला दीजिए, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे ऐसे कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों को करने में बड़ा मज़ा आता है, इससे भुजिया बिल्कुल चिपक जाती है। तो दोस्तों, ये सॉस से लगाने के बाद हम इस पर हल्का सा धनिया से इसकी डेकोरेशन कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारे चीजी स्टार्टर बिस्किट बिल्कुल रेडी है, और देखिए कितनी क्विक बनते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। ये मैंने और सक्षम ने मिलकर बनाए हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।